पूछो भिजवा लेना, बस हो गया। हाँ, बेगूसराय जिले में अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि अब छात्र भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जब आप घर से मजह शौचालय के लिए निकलते हैं और अपराधी आपके ऊपर गोली चला दे तो हम कह सकते हैं कि स्थिति अब बद से बदतर हो गई है। कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। और अभी जो खबर है, यह बछवाड़ा थाना क्षेत्र के भरौल गाँव का रहने वाला संजय कुमार का पुत्र उत्सव कुमार, जो अपने घर से शौचालय के लिए निकला था और पूर्व से घात लगाए हुए अपराधियों ने उसके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। स्थिति बद से बदतर हो गई। भागते भागते भी एक गोली उत्सव कुमार को जा लगी। हालांकि इस गोली घटना के पूरे प्रकरण में उत्सव कुमार ने कुल 3 लोगों को पहचान लिया है। हम ये भी बताते चलें कि जिन लोगों को की शिनाख्त की गई है उन लोगों के ऊपर पहले भी आपराधिक मामलों में कई घटनाएँ दर्ज हैं, वो लोग जेल जा चुके हैं, उनके ऊपर चार्जशीट तक हो चुका है। लेकिन फिर ऐसे अपराधी को कौन छोड़ देता है? किसके ऊपर ये सवाल है जो बाहर खुलेआम घूम करके लोगों के जीवन को बद से बदतर करने की स्थिति में है? हम खराब थे, वहाँ पर पेशाब कर रहे थे, आज गोली मार दी। पहचाना? हाँ, 3 गो था सर। ओ, निखिल था, मंजीत था, संतोष था, वो तुम बोला। सबसे बड़ा सवाल तो खड़ा होता है कि पिछले 24 घंटे से जिस प्रकार से पूरे बेगूसराय को दहलाने की साजिश की गई है, इसमें भले ही कुछ पॉलिटिकल पंडित कहते हो, कुछ सुरक्षा के जानकार कहते हो कि यह आपराधिक घटना है, लेकिन हम एक बार जरूर कहेंगे कि यदि यह आपराधिक घटना है तो मजह बछवाड़ा थाना से शुरू होती है और चकिया थाना में जाकर समाप्त हो जाती है। यह कैसी आपराधिक घटना है? और इस बीच में 11 लोगों को चिन्हित करके गोली मारा जाता है और अब उसमें एक छात्र को गोली मार दी जाती है और छात्र अभी भी निजी क्लिनिक में जीवन और मौत के बीच लड़ रहा है।